और अब बात एक उस मर्डर मिस्ट्री की जिसने पूरे देश में हंगामा मचा डाला था। जी हाँ, ये वो मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें शुरू में तो ये भी साफ नहीं हुआ था कि आखिर किस से किसके क्या रिश्ते हैं। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं शीना मर्डर कांड की, जिसमें शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था और जिसकी तहकीकात में जुटी है अब सीबीआई। और अब इस तहकीकात की जिम्मेदारी में शामिल किया गया है राजस्थान की दो महिला पुलिस अधिकारियों को। देश की ये वो मर्डर मिस्ट्री थी जिसने सभी को उलझा कर रख दिया था। जब वारदात सामने आई तो अंदाजा लगाया गया था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मामला सुलझाने में, लेकिन जैसे जैसे पुलिसिया जांच आगे बढ़ी सब कुछ उलझता चला गया। कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, तो कौन किसकी पत्नी, ये वो मामला था जो उलझी गुत्थी बन गया था और हाई प्रोफाइल इस मामले ने पुलिस के भी कान लाल कर दिए। लेकिन अब राजस्थान कैडर की दो जाबाज आईपीएस अफसरों को अब शीना मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शीना की मां इंद्राणी के जेल में बंद होने के बाद से लगातार सुर्खियों में रहे इस केस के हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण मामले के लिए सीबीआई ने 1989 बैच की नीना सिंह और 2000 बैच की लता मनोज कुमार को चुना है। दोनों को उनके कार्यकाल में बेहतरीन सेवाओं के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान कैडर की नीना सिंह सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर है, जबकि लता मनोज कुमार सीबीआई में ही एसपी है। दोनों दिल्ली में ही तैनात है और लगातार अपनी बेहतरीन सेवाओं के लिए सीबीआई का नाम रोशन कर रही हैं। नीना सिंह मूल रूप से पटना और लता मनोज कुमार जयपुर की रहने वाली हैं। गौरतलब है कि अपने काम के दम पर नीना सिंह को केंद्रीय मंत्री करुणा निधि मारन के टेलीकॉम मंत्री रहने के दौरान घोटाले की जांच की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बड़े घोटाले की जांच की जिम्मेदारी भी नीना सिंह के पास ही है। वहीं राजस्थान के 2000 बैच की आईपीएस लता मनोज कुमार जयपुर में ट्रैफिक डीसीपी रहने के दौरान ही दिल्ली भेजा गया था। उन्हें शुरू में अगस्त 2013 से दिसंबर 2013 तक 12वीं बटालियन में कमांडेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद से अब तक वे सीबीआई में एसपी के रूप में काम कर रही हैं। बहरहाल अब ये दो जाबांज पुलिस अधिकारी इस उलझी गुत्थी को सुलझाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी और अब सबकी नजरें इन पर टिकी हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।